नमस्कार, मैं सुरेश कुमार गुप्ता। अभी हम सिरहा जिला के सिरहा जिला में उपस्थित हैं और यहाँ पत्रकार कार्यालय है, नेपाल पत्रकार महासंघ का बोर्ड लगा हुआ है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ के पत्रकार से मिलेंगे। ये सुभाष जी हैं, सुभाष जी बोलेंगे। हम लोग भारत नेपाल के बीच समाचार संकलन में सहयोग समन्वय के लिए सिरहा जिला के पत्रकारों से मुलाकात करेंगे और अभी आए हैं, अंदर में बात हुई है और भारत का समाचार नेपाल, नेपाल का समाचार भारत के बीच, लोगों के बीच पहुंचे, उस मुद्दे पर समन्वय के लिए और सहयोग के लिए यहाँ हम लोगों के बीच एक तरह से क्या कहते हैं उसको समझौता हुआ है, उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। संजय जी भी हैं, संजय से भी जानेंगे। भी आज जो है ना यहाँ सिरहा आए हुए हैं, जो यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है पत्रकार महासंघ का, उसी पे आपसी विचार विमर्श को साझा करेंगे और संगठन को विस्तार किया जाएगा। गोरन जी हैं जी, हम भी आज पहुँचे हैं, सभी लोग पहुँचे हैं यहाँ सिरहा, और नेपाल के पत्रकारों से भी आज हम लोग मिलेंगे और आपसी सामंजस्य बनाएंगे कि हम लोग दोनों आपस में ऐसा सामंजस्य बनाएंगे कि इधर नेपाल का न्यूज़ हम ये लोग हम लोग को प्रोवाइड करवाएंगे और इंडिया का न्यूज़ हम लोग उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ये थे गुरन जी, और इसी के साथ फिर मिल के मिलते हैं। धन्यवाद। मैं सुरेश कुमार गुप्ता। भारत और नेपाल के बीच पत्रकार संघ के द्वारा आपसी सहयोग के लिए दोनों देश के पत्रकार आपस में मिलकर बातचीत किए हैं। ये भारत के मधुबनी जिला अंतर्गत पत्रकार संघ के द्वारा यह पहल किया गया है और नेपाल के सिरहा जिला के पत्रकार संघ के द्वारा दोनों देश के सामंजस्य के साथ, जैसे भारत और नेपाल की बेटी रोटी का संबंध है, उसी समान पत्रकार भी एक दूसरे के उसी संबंध को देखते हुए अपना पत्रकारिता एक मित्र के समान बनकर आदान प्रदान करें। इसी विषय में भारत और नेपाल के पत्रकार आपस में मिलकर बातचीत किए हैं और आगे भी यह नेपाल के पत्रकार के द्वारा बताया गया है कि हमें बहुत खुशी मिला कि हमारे पड़ोसी देश भारत के पत्रकार और हम नेपाल के पत्रकार दोनों मिलकर आपस में दोनों देश के न्यूज़ के संकलन करें और दोनों देश का खबर आदान प्रदान करें। ये चीज़ समझकर सभी पत्रकार बहुत खुश हुए हैं और आपस में सहयोग करने की भरोसा दिए हैं। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल स्टार मिथिला 99। धन्यवाद। आप लोग भी करेंगे, आप लोग भी बोलाइए, हम लोग भी बोलाते हैं। अभी जो निरंतर